बाखासर बाड़मेर राजस्थान में हिंदुओं की आस्था के केंद्र पतित पावन ग्रंथ गीता जी को सड़क पर जलाया गया। क्या इसका अर्थ यह है कि निकट भविष्य में हिंदुओं को भी ऐसे ही खुलेआम जलाया जाएगा? जय भीम के नारों के बीच श्रीमद् भागवत गीता को खुलेआम सड़क पर जलाया जाता है और प्रशासन सुस्त है। न्याय की मांग करनी पड़ रही है हिंदुओं को, लेकिन यदि यही हाल किसी अन्य मत पंथ और संप्रदाय की पुस्तक के साथ हुआ होता तो आप सब उसका अंजाम जानते हैं। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कब तक? आखिर कब तक प्रशासन यूं ही दोहरा रवैया अपनाएगा हिंदुओं के प्रति? क्या ये हिंदुओं के सहिष्णु होने की सजा उन्हें दी जा रही है? हिंदू भाई जो भी सुन रहा है उन लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि बाखासर में कल बहुत ही बड़ा हिंदू ग्रंथ गीता को जलाया गया है बीच चौराहे के ऊपर। हमारी धर्म को, हमारी ग्रंथ को जलाया गया। जब तक यदि हमारा धर्म नहीं रहेगा तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे? यदि हमारा धर्म नहीं रहा तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे? हमारी सरकार से एक ही मांग है कि इसको गिरफ्तार किया जाए, इनकी मांग जब तक क्या प्रशासन चाहता है कि हिंदू भी असहिष्णु हो जाए और उसी प्रकार अपने धर्म को बचाए, उसी प्रकार अपने लिए न्याय की मांग करे जैसे बाकी लोग करते हैं? क्या यही प्रशासन की सोच है? प्रशासन को चाहिए कि बहुसंख्यक हिंदू समाज को गंभीरता से ले, उनकी धार्मिक भावनाओं को, उनकी आस्था को बार बार इस प्रकार अपमानित होने से रोके। और हिंदुओं को भी खुद इस मामले को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि जब तक हम प्रशासन पर दबाव नहीं बनाएंगे और इस प्रकार के अपराधियों को सजा नहीं दिलवाएंगे तब तक ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी, बार बार हमारे धर्म का अपमान होगा, हमारी आस्थाओं को आहत किया जाएगा। पूरे देश में हिंदू जहां कहीं भी वो संगठित होकर जाएं और देश के कोने कोने में इनके विरुद्ध FIR दर्ज करवाएं।